श्री राग महला पहला हुण बेनती कीती है गुरसिखां ने श्रद्धालुआं ने संगत ने महाराज नूं महाराज सानू किहड़े किहड़े करतब करने योग ने परमात्मा दा निवास किथे है उहदी प्राप्ति किवें है सानू की करना चाहीदा है। सतगुरु नानक देव जी श्री राग दे विच इह फरमाउंदे ने 21वां शब्द सतगुरु कहिंदे देखो ऐसा है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है जे फिर तुहानू की करना चाहीदा हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल प्यारो वाहेगुरु वाहेगुरु नाम नू जपो अपने आप जपिए या किसे द्वारा जपिए भी प्रश्न है क्योंकि अपने आप जे कोई बनता फिर तो आप ही रब बन जाता गुरु द्वारा ही कृपा होनी है गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। सतगुरु कहिंदे गुरमत गुरु की सिक्ख्या लो पहला गुर सिक्ख्या लैके वाहेगुरु नाम नू बोल जप बोल हरि नाम नू बोल वाहेगुरु बोली जा ते वाहेगुरु विच ध्यान दे सुरती दे अर्थां दा ध्यान रख ये भी ध्यान रख के वाहेगुरु है कौन किड्डा वड्डा किथे रहिंदा सारयां दे अंदर है व्यापक है रोजी रोटी देण वाला मेरा मालक है मैनू देख रहा है मैनू उहनू मेरा सारा पता है जिन्ना वारी मैं वाहेगुरु कहना वह भी सुनदा है जिन्नी वारी आपां कहने उन्नी वार वह भी वाहेगुरु कहिंदा है ये दो काम चलते ने यह खैर बहुत उच्ची अवस्था की गल है जिन्नी वार आपां कहना उन्नी वार ही उहने कहना वह भी नाल ही कहिंदे साडे ये एक ऐसी उच्ची चीज है जिहड़ी बहुत अगलियां अवस्थां जाके आउंदी है आप जपदे ने क्योंकि आत्म चिंतन करदे ने सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आपे ही फिर जाप जदों इकले हुंदे ने उदों की करदे ने वो आपे आत्म चिंतन करी जांदे ने उदों मन सच कसवटी लाई है तुली है पूरै तोल मन नूं सेवा टहल रूपी भगती रूपी जप तप रूप सच्ची कसवटी ते लाइए तां पूरे विचार रूपी जो तोल दा अर्थ है वट्टे नाल फिर तोली दा मन नूं सेवा च लाइए टहल करिए संगत दी भगती करिए जप तप रूप कसवटी ते लाइए तां फिर विचार रूप वट्टा मिलदा विचार करी दी फिर बैठ के कीमत के नैना पाईऐ रिद माणक मोल अमोल वह गुरमुख की कीमत किसी कोलों नहीं पाई जाती जिहदा हिरदा माणक की तरह शुद्ध हो जाता ना वह मुल तो भी उपर उठ जाता अमोलक हो जाता फिर परमात्मा की कीमत तो चलो किसी ने की पाउणी है क्योंकि वह तो है ही अमोलक वह तो रब के प्यारियां की कीमत नहीं पाई जा सकती मन्ने की गात कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए। महाराज जी हरी परमात्मा किथे वसदा है कृपा करके दसो सतगुरु कहिंदे दसीए हरी किथे वसदा है हार भाई रे हर हीरा गुरमाहे भाई जिहड़ा हरी रूपी हीरा ना वाहेगुरु वह गुरां दे हिरदे विच वसदा है वाहेगुरु रूप हीरे नूं गुरु साहिब जी हिरदे विच विखा भी दिंदे ने अपने भी हिरदे च वसदा उहदी जोत अपने विच भी है पर प्रगट रूप विच सतगुरां दे हिरदे च है क्योंकि सतगुरु आप ही परमात्मा ने निश्चा करना इतना आम बंदियां दी गल्लां आम हुंदियां उह अपने अंदाजे नाल कहिंदे ने पर असली गल जिहड़ी है वो ये है कि सतगुरु ही परमात्मा ने रूप परमात्मा नहीं यह धारिया गुरु ग्रंथ साहब सतसंगत सतगुर पाई है ऐह निस शब्द सलाहे रहाओ पर सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह सतसंगत विचों प्राप्त हुंदे ने सतगुर जी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरां दे उपदेश नूं दिन रात सलाहुणा करे तां फिर नाम रूप हीरा प्राप्त हुंदा है।
सतसंगत विच बैठीए, गुरां दे कोल बैठीए। एक तो हुंदा सतगुरु की प्राप्ति, पैसा दे के लो ऐ सरूप लिया महाराज का, इनू प्राप्ति नहीं कहिंदे। प्राप्ति हुंदी तो गुरु साहब दे कोल बैठीए, गुरु साहब की कृपा नाल जदों सतगुरु अपने असल रूप विच प्रगट होके, प्रकाश रूप होके कृपा करके मिलाप करदे ने, ये चीज सतसंगत विचों बननी है। सतसंगत विच मिलके रात दिन गुरां दे शब्द की सलौता करनी, जिहड़ा गुरु ने शब्द दिता उहदा अभ्यास करना रात दिन। सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास। सतगुरु महाराज कहिंदे शरधा रूपी पूंजी दे के ना गुरां कोलों धनता योग सच्चे नाम रूप सौदे नूं लै लै, तां फिर तू वाहिगुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकदा, उहदा प्रकाश तैनूं तां हो सकदा। क्योंकि शरधा की पूंजी तो बिना गुरां कोलों की लएगा तू? सच्चे नाम सौदे नूं लै शरधा नाल, फिर तू नाम लैके फिर जप, फिर प्रकाश हुंदा। जप मन राम नाम प्रकाश, ज्यों अगन मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास। महाराज कहने जी पानी दे पाउण नाल अग बुझ जाती है। इत्थे पाठ जिहड़ा है ध्यान देण वाला, ज्यों अगन मरै जल पाया इहदी सुहारी है। बहुते पाठी करदे ज्यों अगन मरै जल पाईऐ, ज्यों पाया ते पाईऐ विच ध्यान देना बिहारी है कि सुहारी है। महाराज कहने तिवें ही दासां दा दास होण करके पदार्थां दी तृष्णा मिट जांदी है। जिवें अग मिट जांदी है पाणी नाल, दासां दा दास बने तां तृष्णा मिट जांदी है, तृष्णा भी दासी बन जांदी। कहिंदी मैं हुण तंग नहीं करदी तुहानूं, जम जंदार ना लगई इउं भौ जल तरै तरास। उन्हों फिर जिहड़ा जंदार हुंदा जिंद दा आर आर नाम कट्टणा, कट्टणा कौन वैरी, जिंद दा जो अरी है ना जिहड़ा जमदूत है, जिंद दा वैरी है उहदा जिहड़ा डंडा नहीं लगदा, इस वजह नाल उह भय दा संसार समुंदर तों तर जांदा। त्रास दा मतलब तरना, कहण तों भाव कि उहदे मगर जिहड़ा धर्मराज दा जंदार हुंदा दूत नहीं लगदा, तरने की आसा होण करके इस वजह नाल संसार समुंदर तो आप तरदा दूजिआं नूं तारदा है। गुरमुख गुरमुख कूड़ ना भावई, सच रते सच पाए। सच पाए तो भाव सच्चे प्रेम द्वारा जिहड़े गुरमुख सच्चे नाम विच रंगे गए ने ना, नाम जपण करके उन्हां गुरमुखां नूं झूठ बोलना चंगा ही नहीं लगता। गुरमुख कूड़ ना भावई, कूड़े पदार्थ कूड़, राजा कूड़, परजा कूड़, सब संसार कूड़, मंडप कूड़, माड़ी कूड़, बैसण हार कूड़, सोयना कूड़, रूपा कूड़, पहनण हार कूड़, काया कूड़, कपड़ कूड़, रूप अपार कूड़, मिया कूड़, बीबी खप होए खार कूड़, कूड़ा नेहो लगा विसरिया करतार। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलनहार। गुरमुखा नूं ऐसा कूड़ पाउंदा ही नहीं, बोलना भी नहीं पाउंदा कोई कूड़, हर चीज कूड़ है। इसे करके उन्होंने सच्चे का जिहड़ा पाए दा अर्थ है ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया। साकत सच ना पावई, कूड़ा कूड़ी पाए, ये उल्ट गल हो गई। गुरमुख कूड़ ना पावई, साकत सच ना पावई। शक्ति दे उपासक जिहड़े मनमुख ने उन्होंने सच बोलना, सच्चा नाम जपना पाउंदा ही नहीं। झूठिया पुरशां दी झूठी पाए पाप पाया पाव औकात है। कूड़िया झूठिया धंधिया विच लगन करके झूठी ही उन्हां दी पाए तो पाप पत इज्जत आबरू झूठी बनी रहिंदी संसार अंदर, नकली इज्जत है उन्हां दी। मूंह दे उत्ते लोग हां जी करदे, बाद विच गालां कढदे, बुरा निंदा करदे आ, भैड़ा बोलदे आ, सिर्फ कम लैण दे मारे मूंह दे उत्ते गल वधिया करनगे। इस करके सतगुरु कहिंदे ने कि साकत नूं सच चंगा नहीं लगता, हमेशा वह सच नालों दूर रह के खुश है। सो जिथे कूड़ का पसारा हुंदा, कूड़ प्रति इकट्ठ हुंदा, कूड़ गाने
ਕੂੜ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਮਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ, ਮਾਣਕ ਲਾਲਾਂ ਰਤਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਿਖੀ 50 ਵਾਰ ਲਿਖੋ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, 50 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਪਿਆਸ, ਬੁਝਦੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਪੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਣਕ ਮਤਲਬ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ, ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਸੌਦਾ ਉਹਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹੀਰ, ਹਰੀ ਜੋ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ, ਹੀਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੀਰਾ ਆਪੇ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।